सो हेलो कैप्टन सबॉम्बन, आज के शो में वेलकम है। टुडे शो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि मोहम्मद एफसी में फिर एक कोच चेंज हुआ है। एंड मैंने वीडियो किया था कुछ ही महीने पहले कि किबो विकुना हैज बिकम द न्यू कोच ऑफ मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब। फिर से चेंज है, किबो विकुना हैज अपेरेंटली सैक्ड बाय मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब। और मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि ही वॉज हायर्ड मिड सीजन आफ्टर अ बैड स्टार्ट। उनके एक बैड स्टार्ट के बाद उनको एक चांस दिया गया था टू सपोर्ट मोहम्मदन, और उनका स्टिंट उतना अच्छा नहीं गया। बट अगेन, एक कोच जब मिड सीजन में आता है, उनके पास अपने टाइप ऑफ प्लेयर्स को पाने की मौका बहुत कम होता है। सो एज अ रिजल्ट परफॉर्मेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही रहता है। सो उसके ऊपर एक मैनेजर को जज करने इज अ वेरी हार्श डिसीजन। बट मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब ने यही समझा है कि दिस इज द राइट वे फॉर देम टू मूव फॉरवर्ड। सो उन्होंने किबो विकुना को सैक कर दिया। किबो विकुना ने सिर्फ 9 मैचेस मैनेज किए थे मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब को, और उसमें 2 मैचेस जीते थे, 3 मैच ड्रॉ किए थे और 4 मैच हारे थे। एंड आफ्टर दैट मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब का जो नया कमिटी आया है, उन लोगों ने डिसाइड किया इट्स टाइम फॉर हिम टू बी गेट सैक्ड। और अभी तक कुछ लोग कह रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से वो चले गए, कुछ लोग कहते हैं वो सैक्ड है। वी डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ, बट अपेरेंटली ही इज नॉट एंड ही इज बीन सैक्ड। सो अब नई कोच की खोज की तलाश थी, और तलाश बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, क्योंकि बिफोर सेकंड किबो विकुना न्यू कमेटी के अंदर माइंड में एक कोच का नाम पहले से ही था एंड ही हैज बीन हायर्ड। और वो और कोई नहीं, मेहराजुद्दीन वाडू है, द फैन फेवरेट। और मेहराजुद्दीन वाडू के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि मेहराजुद्दीन वाडू हैज बीन अ ब्रिलियंट फुटबॉल प्लेयर। क्योंकि मेहराजुद्दीन वाडू के अगर करियर में देखे, किस फुटबॉल क्लब के उन्होंने नहीं खेला, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए खेला, आईटीआई लिमिटेड, हेल, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, सलगांवकर, मोहम्मदन स्पोर्टिंग, पुणे एफसी, एफसी भारत, चेन्नई एफसी, स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा, मुंबई सिटी एफसी, कहां पे नहीं खेले वो। ही हैज बीन सच अ मैन हु हैज बीन एवर प्रेजेंट इन इंडियन फुटबॉल, और वो बहुत सालों से इंडियन फुटबॉल में जानते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो मैनेजमेंट भी नहीं है, वो मैनेजमेंट भी कर चुके हैं। ही हैज मैनेज्ड 4 डिफरेंट टीम्स। डिफरेंट टीम्स क्यों बोलूंगा, क्योंकि उनका स्टार्ट हुआ था पुणे सिटी के एकेडमी से, वहां पे उन्होंने अपना कोचिंग करियर स्टार्ट किया था। उसके बाद वो हैदराबाद एफसी चले गए, हैदराबाद एफसी उन्होंने असिस्टेंट काम किया था। फॉर समवन इंडियन प्लेयर असिस्टेंट मैनेजर होना इज अ बिग थिंग। ही इज अ एएफसी प्रो लाइसेंस, सो जो भी बोलो ही इज अ बिग नेम इन इंडियन फुटबॉल, और वो मैनेजमेंट का भी थोड़ा बहुत जानते हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर हैदराबाद एफसी में असिस्टेंट के काम करने के बाद, ही मूव टू सुदेवा। सुदेवा दिल्ली में भी वो इंटरिम मैनेजर थे, और उसके बाद उन्होंने इस समय मूव किया था टू रियल कश्मीर टू बी द न्यू हेड कोच। और सैडली ही वाज आल्सो बीन सैक्ड, उनको भी, मेहराजुद्दीन वाडू को भी सैक मिला था। एंड सिर्फ इसी मंथ के 8 तारीख को रियल कश्मीर ने अपना नया कोच नोएल विलियम्स को चूज किया था। नोएल विलियम्स आने के बाद, मेहराजुद्दीन वाडू का अगर नोएल विलियम्स के बाद में बात में आते हैं, मेहराजुद्दीन वाडू ने has been decent for Real Kashmir, क्योंकि Real Kashmir का टीम डेविड रॉबर्टसन जैसे नाम जो इतने सालों से जो मैनेज किया था Real Kashmir को, वो जाने के बाद मेहराजुद्दीन वाडू ने has steadied the ship, but मेहराजुद्दीन वाडू से जो एक्सपेक्टेशन थी उतना पूरी नहीं हो पाई। वो 17 गेम्स थे इस साल जो उन्होंने मैनेज किया था, और उनमें सिर्फ 5 हारे और 5 ड्रॉ किए हैं। सो एज अ रिजल्ट बहुत कम मैच जीते हैं, 5 ड्रॉ 5 लॉस फॉर अ टीम लाइक रियल कश्मीर मैनेजमेंट ने सोचा, डिस्पाइट ऑफ हिम बीइंग अ होम बॉय, उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने मेहराजुद्दीन वाडू को सैक किया और उनके बाद नोएल विलियम्स को लिया, जो इट इज एपरेंटली बीन अ गुड डिसीजन, क्योंकि 4 मैचेस नोएल विलियम्स में खेले हैं, उसमें 1 ड्रॉ 3 जीता है, एंड रियल कश्मीर इज एक्चुअली क्रूजिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द टेबल। सो अगर उस चीज से देखा जाए तो इट्स गुड, क्योंकि बट अगेन मेहराजुद्दीन वाडू एक टोटली डिफरेंट कोच है इन कंपेरिजन टू किबो विकुना। किबो विकुना एक पोजीशन ओरिएंटेड कोच थे हु हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि वो पोजीशन लेके खेलेंगे, बट ऑन द अदर हैंड मेहराजुद्दीन वाडू इज मोर ऑफ अ बिलीवर ऑफ अ डायरेक्ट फुटबॉल, वो डायरेक्ट फुटबॉल में ज्यादा बिलीव करते हैं। एंड अ गुड थिंग अबाउट मेहराजुद्दीन वाडू बिकमिंग मोहम्मदन कोचेस की एक कोलकाता के जो 3 बिग क्लब्स है उसमें मोहम्मदन एक है, द ट्रस्ट इन हैविंग एन इंडियन कोच इज गुड, क्योंकि उनके पिछले जो कोचेस थे बोथ द सर्बियन कोच एज वेल एज किबो विकुना दोनों ही फॉरेनर थे। फिर से मेहराजुद्दीन वाडू के अंडर में एक इंडियन कोच ले आया है, एंड मोहम्मदन एफसी हैज बीन सक्सेसफुल अंडर इंडियन कोचेस। सबीर अली बोले, सैयद नईमुद्दीन का नाम बोले या संजय सेन बोले, जो भी आए थे एज अ कोच फॉर मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, उन्होंने ही मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब को बहुत अच्छा सक्सेस दिया है। एंड मोहम्मदन एफसी, मोहम्मदन के जो फैंस है,
they are expecting the same from Mehrajuddin Wadu. Kyun? Mehrajuddin Wadu is a homeboy. Mehrajuddin Wadu jante hai expectation wo khel chuka hai Mohammedan Sporting Club mein, and he knows a lot of eyes will be on him kyunki wo उन्होंने रिप्लेस किया है बिग नेम इन नेम ऑफ किबो विकुना. किबो विकुना एक बड़े नाम थे, उनको रिप्लेस करना आसान नहीं होगा. और इस साल मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के लिए बहुत बुरा गया है. दे हैव रोप्ड इन वेरी गुड प्लेयर्स, दे हैव रोप्ड इन अ वेरी गुड टीम. उनके पास बहुत अच्छा टीम था, बट सैडली दे आर लैंग्विशिंग इन द बॉटम हाफ. वो नाइन्थ प्लेस में है और उन्होंने अपना 18 मैच खेल के सिर्फ 20 पॉइंट लिया, एंड द पॉइंट पर गेम इज पैथेटिक फॉर समवन लाइक मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब जो who are habituated with winning. So Mehrajuddin Wadu ke paas ek bahut bahut tough kaam hoga kyunki sirf ye teen match jo left hai usko manage nahi karna, unko super cup ka jo preparation hai wo bhi dekhna padega. Mehrajuddin Wadu ka first priority hoga apna first 11 choose karna. Acche foreigners to wo nahi la sakte kyunki transfer window band hai, to jo players hai unhi mein se unko kaam chalana padega. Then he has to steady the ship, defense ko acha karna padega. Mohammedan Sporting ke paas bahut acche players hai, never a doubt in this. क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ दे आर इन द नाइन्थ पोजीशन, पर उनका जो टीम है, उनके पास जो नाम है, दैट इज द बेस्ट इन दैट लीग, द मोस्ट हाई बजट टीम इन आई लीग, और बहुत अच्छा टीम है. सो अगर मेहराजुद्दीन वाडू प्लेयर्स को अपना बना सके एंड ही कैन डू अ गुड वर्क, ही कैन मेक दिस शिप स्टेडी. क्योंकि मेहराजुद्दीन वाडू सैक हुए थे इन रियल कश्मीर, बट उनके पास उतना अच्छा टीम नहीं था रियल कश्मीर में, ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा. एंड ऑल्सो इवन आफ्टर दैट 17 मैचेस में 7 मैच वो जीते थे रियल कश्मीर, सो इट्स नॉट दैट बैड. सो उनको अपना डिफेंस सही करना पड़ेगा, अपने मिडफील्डर्स को दे हैव टू ऑर्गेनाइज, उनको अपना फेवरेट फॉर्मेशन, वो बहुत सारे फॉर्मेशन से खेलते हैं, एक फेवरेट बोलना टफ है, 4-3-3 अटैकिंग इज हिज फेवरेट फॉर्मेशन. सो वो क्या उनको लेंगे उनको. एंड वन थिंग आई एम टेलिंग बार बार अबाउट मेहराजुद्दीन वाडू इज मोहम्मदन ने एक स्ट्रक्चरल चेंज किया है, टैक्टिकल चेंज, वो है एक पोजिशनल कोच जो किबो विकुना जो पोजिशन पासिंग फुटबॉल मिलकर उससे जाके एक डायरेक्ट फुटबॉल के बिलीवर मेहराजुद्दीन वाडू को लाना. क्योंकि मेहराजुद्दीन वाडू इज समवन हु बिलीव्स इन प्लेइंग लॉन्ग बॉल फुटबॉल, प्लेइंग समथिंग डायरेक्ट. हाँ, उनके गेम में भी पोजिशनल प्ले है, बट पोजिशनल प्ले क्या है, इन डिफेंस वो प्ले आउट फ्रॉम द बैक करना चाहते हैं, बट ही इज अ मोस्टली अ बिलीवर इन लॉन्ग बॉल फुटबॉल. सो डायरेक्ट फुटबॉल, लॉन्ग बॉल फुटबॉल बोलना गलत होगा, ही बिलीव्स इन समथिंग लाइक अ डायरेक्ट फुटबॉल जहां पे बहुत सारे अटैकिंग ट्रांजिशंस मिडफील्ड को बाईपास करके होते हैं. सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी क्या मेहराजुद्दीन वाडू मोहम्मदन एफसी, जिसके पास मोहम्मदन एफसी के पास अभी भी बहुत अच्छा स्क्वाड है, सो क्या वो उनका फॉर्चून चेंज कर पाएंगे इन टू प्लेसेस. एक मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का जो फ्यूचर चेंज करना होगा, तीन मैचेस जो लेफ्ट है उनमें उनका अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा. आफ्टर दैट उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली पिछले साल जो हुआ था टॉप हाफ और बॉटम हाफ में जो मैचेस हुए थे, क्या इस साल वो होगा, वी हैव टू सी. अगर होता है ही हैज टू परफॉर्म इन दैट बॉटम हाफ मैचेस एज वेल, क्योंकि टॉप हाफ पाना इज वेरी टफ फॉर मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब. उसके बाद उनका सबसे बड़ा काम है स्पोर्टिंग, दैट इज द सुपर कप. सुपर कप में मोहम्मदन स्पोर्टिंग के फैन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोहम्मदन विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उनके पास जो स्क्वाड है वो बिल्ट ही किया गया था टू प्रूव दैट. मोहम्मदन का इस साल का एम था कि चैंपियन बन के आईएसएल खेले नेक्स्ट सीजन, अब वो नहीं हो सकता, बट दे कैन परफॉर्म वेल इन द सुपर कप, और वो ये बोल सकते हैं दैट यस वी आर रेडी फॉर आईएसएल. ये साल उतना अच्छा नहीं गया, इट्स अ ईयर ऑफ फ्रीक ईयर, बट वी कैन मूव एंड मेक दिस अ गुड ईयर. उनकी वो पूरा कोशिश करेंगे, और सुपर कप इज द फॉर्मेट, क्योंकि सिनिधि डेकन राउंड ग्लास पंजाब दे आर नॉट दैट हाई बजट टीम, बट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. और मोहम्मदन के पास तो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लेयर्स है, मार्कस जोसेफ जैसे प्लेयर्स एंड ऑल दोस प्लेयर्स हु हैव बीन वेरी वेरी गुड. सो अब देखना पड़ेगा क्या मेहराजुद्दीन वाडू सक्सेसफुल होता है. सो एवरीवन, एवरी मोहम्मदन स्पोर्टर, जो हर एक मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के जो फैन हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज, और अगर आप मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के फैन ना भी हो एंड यू आर अ न्यूट्रल इंडियन फैन, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस हायरिंग ऑफ मेहराजुद्दीन वाडू. क्या ये इंडियन फुटबॉल के लिए एक अच्छा बात है कि एक बड़े टीम ने एक बड़े कोच, बड़े इंडियन कोच को हायर किया है, समवन इन इंडियन, सो इज दिस अ गुड न्यूज, या आपको लगता है मेहराजुद्दीन वाडू विल बी अ सक्सेस और अ फेलियर. सो ऑल द मोहम्मदन फैंस एंड ऑल द न्यूट्रल फुटबॉल फैंस जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. और गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज इंडियन फुटबॉल का न्यूज लाना आई लीग आईएसएल बहुत बहुत टफ है, बट वी ब्रिंग यू द न्यूज एवरी डे. यू कैन सी इट इन आवर चैनल, वी हैव गिवन यू एवरी न्यूज, वो इंडिया का न्यूज हो, आईएसएल का न्यूज हो, आई लीग का न्यूज हो, व्हेनेवर वी गेट न्यूज वी गिव इट टू यू गाइस. सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल so that we can bring you more content. We get the encouragement to bring more content. So until then, it's goodbye from Armband. We will meet again tonight with another news about Indian football. That's the commitment we want to show. Yahi commitment hum dikhana chahte hain. Hum aur ek, and it's only 10 minutes baad main aaunga aur ek video leke about Indian football, kyunki Hyderabad FC ko transfer ban mila hai.
And yes, it's a big news for a team which is as professionally run as Hyderabad FC. So guys, until then, it's goodbye from Ahmed. Phir milte hain 10 minute baad.